नमस्कार दर्शक मित्रों, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पेट्रोल पंप पर लुटेरों का आतंक, पुलिस ने 24 घंटों में कैसे पकड़ा, आइए देखते हैं ये वीडियो। नॉर्थ ईस्ट जिले के गोकलपुरी पुलिस स्टेशन की टीम ने गोकलपुरी पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक फायर कारतूस, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और एक फोन बरामद किया है। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी राकेश पावरिया के अनुसार 14 अक्टूबर को गोकलपुरी पेट्रोल पंप के प्रबंधक रविंदर पाल सिंह पर दो लोगों ने फायरिंग की थी और लूट का प्रयास किया था। इस मामले में गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सूचना के आधार पर 15 अक्टूबर को दो आरोपियों सत्येंद्र उर्फ बाबा और राहुल कश्यप को गिरफ्तार किया। उनके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आरोपी सत्येंद्र उर्फ बाबा पहले भी हत्या, डकैती, चोरी और हथियार अधिनियम के मामलों में शामिल रहा। राहुल कश्यप भी डकैती, चोरी और हथियार अधिनियम के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने इन आरोपियों के साथ जुड़े चार मामले सुलझा लिए हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।